नमस्कार दोस्तों, आपने समाचार पत्रों, टीवी या सोशल मीडिया के जरिए हाल ही में जेएनयू का नाम तो सुना ही होगा। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी आए दिन देश विरोधी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में बनी रही है। अब जो लोग जेएनयू के छात्रों की विचारधारा से अनभिज्ञ हैं, उन्हें मैं इसी यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम बता दूं, जिसे सुनकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल के युवा इस यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिला रहे हैं। पहला चर्चित नाम है कन्हैया कुमार का, जो पिछले चुनाव में जनता से पिछवाड़ा लाल करवाने के बाद साइलेंट मोड में है। ये वही है जिसने अपनी देश विरोधी गैंग के साथ मिलकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और हर घर अफजल निकलेगा के नारे लगवाए थे। दूसरी है सहला राशिद, जिस पर भारतीय सेना को बदनाम करने के आरोप में आज ही दिल्ली की एक अदालत ने जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कन्हैया कुमार की सहयोगी सहला राशिद हर वक्त सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए तत्पर रहती है। हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एंगल घुसेड़ने वाली इस अधेड़ उम्र की युवती ने कश्मीर में लोगों को बहकाने की फुल कोशिश की, लेकिन वो अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हो पाई। तो अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। तो राहुल गांधी के चहेते छात्रों ने हाल ही में फीस की बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर जबरदस्त हुड़दंग मचाया, और तो और इन लिबरल कीड़ों ने उद्घाटन से पहले ही स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया और जेएनयू कैंपस में हर जगह भद्दे नारे लिखकर अपनी गटर वाली सोच का परिचय भी बखूबी दिया है। मूर्ति तोड़ने को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सिन्हा ने कहा है कि जेएनयू में देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान कर इन्हें तुरंत परिसर से बाहर किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इनकी गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू के छात्रों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। अभी हाल ही में जब केंद्र सरकार ने अगस्त महीने में अनुच्छेद 370 को हटाया था, तब भी जेएनयू के छात्रों ने उत्पात मचाया था। यही नहीं, बीते वर्ष जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों की भीड़ ने वाइस चांसलर जगदीश कुमार के आवास का घेराव किया था। वे यही नहीं रुके, उनके घर में तोड़फोड़ करने के साथ ही उनकी पत्नी को भी बंधक बना लिया था। जेएनयू में इन लिबरानियों ने कैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, आज हम आपको बताते हैं। महिषासुर के उपासक इन दरिंदों ने माँ दुर्गा के ऊपर कैसी टिप्पणी की है, आप खुद ही इस वीडियो में देख लीजिए। Call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. Whether Rahul Gandhi will stand for this freedom, I want to know. इन्होंने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2014 को जेएनयू के सुरक्षा विभाग से एक पत्र लीक हुआ, जिसमें बताया गया कि जेएनयू कैंपस में एक पेड़ के नीचे भगवान राम का नाम लिखा पुतला लटकाया हुआ है। उस पुतले के आसपास कुछ पर्चे मिलते हैं, उस पर भी लिखा हुआ है कि आपके भगवान राम ने आत्महत्या कर ली है। अब इससे घटिया और नीच हरकत क्या हो सकती है भला। और तो और कृष्ण जन्माष्टमी पर भी श्री कृष्ण के पोस्टर को ये लोग फाड़ देते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, और वीर सावरकर जी की मूर्ति पर भी इन लोगों ने जूते की माला पहनाने की कोशिश की, कालिख पोतने की कोशिश की। बीजेपी के पूर्व विधायक ने तो ये तक कह दिया था कि जेएनयू में हर रोज 3000 कंडोम व 500 गर्भ निरोधक इंजेक्शन मिलते हैं। इन सभी बातों पर गौर करें तो यही सिद्ध होता है कि यहाँ कई सालों तक रुकने और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों की ताकत इन्हें कम फीस की वजह से ही मिलती है। ऐसे में सरकार को
अपने फीस बढ़ाने के फैसले में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही किसी भी तरह का उपद्रव मचाए जाने पर इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और अर्धसैनिक बलों को कैंपस में तैनात करना चाहिए। तो हमारी तो यही राय है, आपकी क्या राय है जेएनयू के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।